जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इसी YouTube चैनल में। आज हम करेंगे 2017 में जो टेट का एग्जाम हुआ था पेपर वन, उसमें मैथ्स के किस प्रकार से प्रश्न आए थे और उसको कैसे सॉल्व करना था इसको। और आप देखिएगा, ये मान के चलिएगा कि आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आपको इसी प्रकार से ही सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना है। यदि आप देखेंगे तो आप समय भी देख लीजिएगा कितना फास्ट बन सकता है, लेकिन ये मेरे क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है इसलिए थोड़ा सा समय हो सकता है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में भरने का को कितना समय लगेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पाइप है ए और ये बी, दो पाइप है। ठीक है, एक को भरने में कितना समय लगता है, तो एक को भरने में समय लगता है 20 और बी को भरने में समय लगता है 30। ये मिनट की बात है। अब इस प्रकार से जब भी काम होता है तो आप टोटल काम मानने के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो टोटल 60 काम हो गया। बी की जो क्षमता है वो 20 मिनट में है। ठीक है, टोटल भरना है 60, तब क्या हो गया, 20 दिया 60, तो इसकी इफिशियंसी कितना निकल गया, 20 दिया 60। ठीक है, और बी जो है ना 30 मिनट में भर सकता है, तो पूरे को भरने में कितना समय लेगा, ये मात्र 2 मिनट लेगा, तो इसकी इफिशियंसी ये हो गई। ठीक है, अब कहा गया यदि दोनों एक साथ काम करें, तो दोनों साथ काम करेंगे तो हमको दोनों की इफिशियंसी को जोड़ना पड़ेगा। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, जो जिसका क्षमता ज्यादा होगा ठीक है वो समय कम लेगा। जैसे ए का क्षमता ज्यादा है तो वो 20 मिनट ले रहा है, बी का क्षमता 2 है इसलिए वो 30 मिनट ले रहा है उसी काम के लिए। इस प्रकार आपको निकालना है, क्योंकि अब हमको टोटल पूछा गया है तो टोटल काम हमारे पास 60 है और टोटल क्षमता क्या हो जाएगा, 3 और 2 टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60। ठीक है, कितना, 12 पंचे 60, तो टोटल टंकी को भरने में 12 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न को पढ़िए और मुझे लगता है कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मात्र 1 सेकंड में आंसर होगा। पढ़ते हैं, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा अंकों का औसत कितना है, 35 है टोटल अंकों का ना, उसमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण मतलब फेल का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि ये प्रश्न मुझे बनाना है तब ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मुझे बनाना होगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों, अब देखिए यहां पे लिखा है कि 120 विद्यार्थी हैं, टोटल 120 है, उसमें से कुछ फेल हुए होंगे कुछ पास हुए होंगे। टोटल अधिकतम 120 हो सकता है, फेल 119 हो सकता है या फिर पास 119 हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए तो एक, यदि हमारे पास 120 छात्र है तो 125 कहाँ से आ गया, ये 140 कहाँ से आ गया और ये 145 कहाँ से आ गया। हमारे पास टोटल 120 ही छात्र हैं तो 120 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। ये आपका लॉजिकल मेथड है, बाय ऑप्शन मेथड है यदि, है ना। लेकिन यदि आप इसी को प्रोसेस से बनाना चाहो तब कैसे करते हैं, इसको हम एलिगेशन से बनाते हैं, मिक्सर और एलिगेशन। वैसे इसके बनाने का एक और तरीका है, पहले आप देख लीजिए मिक्सर और एलिगेशन। टोटल हमारे पास रेशियो की औसत कितना है, 35 है, ये वाला 35 बीच में लिखिए, उसके बाद इधर आप लिख दीजिए पास और इधर लिख लीजिए फेल। पास का रेशियो कितना है, तो पास का रेशियो है 39। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फेल का रेशियो क्या है, तो फेल का रेशियो हमारे पास है 15। मिक्सर एलिगेशन में केवल माइनस करना होता है ऊपर से नीचे को, तो 39 और 35 को यदि हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, 39-35 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 15 और 35 को माइनस करेंगे मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 10 आ जाएगा ना, 10 आएगी 20 आएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 4 से काटिए, 4 से 1 बार में और 4 से 5 बार में, तो ये हमको टोटल मिल गया, क्या मिल गया, परीक्षार्थियों की संख्या मिल गया। ठीक है, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या मिल गया, उसमें से पास वाले की संख्या कितनी है, 5 और फेल वालों की संख्या औसत रेशियो में है 1। हमको तो टोटल दिया गया है तो टोटल हम इसको 120 को इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, टोटल दिया गया है तो टोटल 120 को हम इसके बराबर करेंगे, 120 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको पूछा क्या गया है, पास वाला, तो पास वाला पूछा गया है तो पास को अब इंटू कर दीजिए 5 को,
और टोटल सिक्स को भाग कर दीजिए क्योंकि ये टोटल है इसलिए ये भाग हो जाएगा। छः कम छः और ये छः दूनी बारह मतलब 20 गुना पाँच, जब भी 20 गुना पाँच करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, ये पास वाला होगा। ठीक है, फेल कहा जाता तो 20 हो जाता, इसी इक्वेशन से निकल जाए, इसी इक्वेशन से निकल जाए, वैसे तो लॉजिकल निकल ही गया है, 120 था, 100 पास है, 20 अनुत्तीर्ण होगा, इसी इक्वेशन से निकालना है तो ये 120 जो करते हुए लिख लिए, फेल का निकालना है, फेल का रेशियो 1 है तो 1 लिखिए और टोटल 6, अब ये हो गया 20, 20 एक कम 20, तो ये फेल का भी निकल गया। तो फेल और पास आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। ये तो आपका एलिगेशन मेथड हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये एलिगेशन मेथड हो गया। अब एलिगेशन मेथड न लगा के यदि आप एक्स मान को बनाना चाहते हो तो एक्स मानकर भी इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, ठीक है, एक्स मानकर भी इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, जैसे हम औसत में बनाते हैं। टोटल क्या दिया गया हमारे पास 120 विद्यार्थी हैं, तो ये 120 विद्यार्थी हो गया, गुना करेंगे 35 से क्योंकि हमको टोटल मार्क्स लाने हैं, तो 35 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। अब हमको उत्तीर्ण उत्तीर्ण निकालते हैं, मान लेते हैं पास का जो संख्या है वो एक्स है, पास की जो संख्या x है, मान लेते हैं पास वाला x, यहाँ पे लिख लेता हूँ पास को हमने x मान के चले। अब क्या करेंगे, x का गुना हम करेंगे 35 के साथ क्योंकि इसकी औसत है, जब भी आप संख्या और औसत गुना करोगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है, ये हो गया। दूसरी बात, हम इसको गुना करेंगे फेल वाले के साथ, यदि x लोग पास है तो 120 माइनस एक्स फेल होंगे और फेल का रेशियो क्या, फेल का औसत क्या है 15, इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको 4200 मिलना चाहिए, ऐसा इसका इक्वेशन बनता है। अब ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन के बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35x प्लस 120 और 15 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 माइनस हो जाएगा 15x बराबर 4200, ये हो गया। अब देखिए 35 है और ये 15 है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x, ठीक है, 35 लिख दिया, हो गया 39 है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 39 यहाँ पे 39 हो गया ना, 35 तो ऊपर था, नीचे ये 39, ये 39x ये हो गया। अब देखिए 15 में यदि हम 39 माइनस करते हैं, 15 में 39 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24x, 18 से पक्षांतर हो गया तो 42 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, x बराबर 100, ये देखिए हमने x माना था पास और पास की संख्या भी आ गई, ठीक है। तो ये तीन तरीकों से आप प्रश्नों को बना सकते हो जो आपको सही लगे, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बनाओ तो देख लेना कि पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा, ऑप्शन अगर कट रहा है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे प्रश्न चलते हैं, राम ने 2 साइकिल प्रत्येक 990 रुपये में, ठीक है, प्रत्येक को 990 रुपये में क्या किया था, बेच दिया, तो उसको पहले ने साइकिल में 10% का लाभ होता है और दूसरे में 10% की हानि होती है, दोनों साइकिलों को कितना क्रय मूल्य हुआ था, मतलब दोनों साइकिलों को कितने में खरीदा था ये पूछा गया। सबसे हम पहले चलते हैं लाभ वाले के पास, ये लाभ वाले के पास आ गए, लाभ में बेचक है एसपी हमारे पास यही है ना, एसपी यही है, एसपी हमारे पास यही है और ये लाभ है, इसका मतलब ये है कि ये 110% का मान है, ठीक है, 110% का मान है और 100% अपने आप में सीपी होता है, याद रखिएगा सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। जब हमारे पास 110% का मान है तो 100% में मान कितना हो जाएगा, तो 990/110 गुना 100, क्यों, तो सीपी निकालना है, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होगा, 0 से 0 कटा, 11 कम 11 11 निया 99, ये हो गया 900 रुपये। तो जिस साइकिल पर लाभ था उसको खरीदा गया था 900 रुपये में, ठीक है। चलिए अब हानि वाले के पास चलते हैं, अब हानि वाले का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, हानि वाले का मान क्या हो गया, हानि वाले का मान, हानि वाले का मान क्या बोला कि 10% हानि, बेचा कितना गया है 990 रुपये में, 10 में हानि का मतलब ये हो जाएगा आपका 90%, क्या हो जाएगा 90%, तो 90% का मान कितना दिया गया है, 90% का मान दिया गया है आपको 990 रुपया। इसमें भी आपको 100% निकालना है, क्यों, क्योंकि सीपी निकालना है, अब हो जाएगा ये 990/90 गुना 100, ये 9 से ये 9 कटा, 11 और 9, तो ये 11 और 100 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1100, 900 और 1100 को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पहले साइकिल यदि पूछता कि पहले साइकिल को कितने में खरीदा, पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, तो 900 था, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य जिसमें हानि हुआ उसका क्रय मूल्य 1100 था, इस प्रकार से टोटल
क्रय मूल्य कितना निकल गया, सीपी निकल गया हमारा 2000 रुपये। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, ये आपके पैडागोजी से संबंधित है ये प्रश्न। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझाने पर होना चाहिए, ठीक है, क्या समझाने पर होना चाहिए, मूलभूत सिद्धांत, यांत्रिक, गणितीय परिकलन या फिर उपरोक्त सभी। तो मूलभूत सिद्धांत समझाने के लिए आपका ज्यादा प्रयास होना चाहिए। एक प्रश्न आया है, यदि लोहे की एक ठोस समतली वृत्तीय बेलन को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में प्रत्येक में यदि 1% की वृद्धि किया जाए तो ठोस का आयतन क्या होगा। आयतन क्या लिखे, वॉल्यूम लिखे। देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है 3D में, मतलब 3D। जब भी 3D जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हो तो 2D में निकालते हो, उसके लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। लेकिन जब भी आप आयतन निकालते हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में भी वृद्धि होती है, तो हमको 3D लेके काम करना होता है। प्रोसेस इस प्रश्न को बनाओगे तो शायद जल्दी भी बन जाए, लेकिन मैं कैसे बनाता हूँ ये देखिए। यदि मुझे बनाने कहा जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला अपना लेता हूँ, 3R × 3R² / 100, ठीक है। ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा, याद रखिएगा, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज में काम आ जाएगा, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना बढ़ रहा है, 1%, तो 3×1 कर दीजिए। हाँ, आर का मान है ना, याद रखिएगा, आर है बढ़ोतरी, तो ये 1 कर देंगे, ये पॉइंट है। पॉइंट के बाद लिखना है आपको 3 और ये आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा और नीचे 100, ठीक है। तो 3×3 पॉइंट, ये पॉइंट में याद रखिएगा, 3×3 और 100 है, तो नीचे 2 संख्या के बाद आपका डॉट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 03। तो ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब ये बात याद रख लीजिएगा, जब भी आप मैथ्स बनाते हैं एक बात हमेशा आपके दिमाग में रखिएगा, मैथ्स में यदि आप एरिथमेटिक बना रहे हैं तो केवल 3 चीज है जो मैथ्स को संभाले रखा है। सबसे पहला है रेशियो, ये पूरे मैथ्स का माई बाप, जितने भी अर्थमेटिक है या अर्थमेटिक हो गया या फिर उसके एडवांस हो गया, ये इसका माई बाप है। दूसरा आपका आता है प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है, दूसरा आता है आपका परसेंटेज, और तीसरा आता है आपका मिक्सर एंड एलिवेशन। ये 3 यदि आपको पता चल गया, इसका मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं। मान यही है, देखिए 3 प्रकार की यदि चीज आपको आ गई, रेशियो निकालना आ गया, प्रतिशत निकालना आ गया और मिक्सर और एलिगेशन लगाना आ गया, उसके बाद आप ट्रेन हो गया, जो भी इसके बाद जितना भी आता है वो सब किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, केवल टाइप अलग रहता है, इसीलिए उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, समय, काल, दूरी या फिर जो भी है ट्रेन, इस प्रकार का नाम दिया जाता है। लेकिन वो होता है ये रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन से ही बनता है, बाकी कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए जब तक आपका ये तीनों स्ट्रांग नहीं होगा आप मैथ्स तो भूल ही जाइए। अगला प्रश्न चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न मैंने बनाया, किससे बनाया ये लगभग मैंने रेशियो से बना लिया है, ठीक है। तो यदि आप इसको नहीं बना पाते तब दिक्कत होता। अगला प्रश्न, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 मिनट में समान आकार के 5 घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं। 1 मिलीमीटर त्रिज्या एक बेलन 60 सेकंड में उसकी कितने माप के घन के बर्फ आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे जो डायमेंशन है मान हमारे पास नहीं दिया गया है, इसलिए ये गलत, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न आपको बनाना है तो थोड़ा से देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन प्रश्न है, मैं थोड़ा से अपने पेन का कलर पतला कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला है। ये आपके बोर्ड मास पर आधारित है, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे बोर्ड मास में क्या होगा, ये जो लास्ट ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, लाइन ब्रैकेट कहते हैं, ये लाइन ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, फिर सर्पाकार कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद लास्ट में ये 5 वाला साइन सॉल्व होगा। तो हम एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं और देखिएगा ये प्रश्न आपको किस प्रकार से बनाना, ठीक है। तो एग्जाम में वो आप ऐसे ही बनाएगा, दोबारा इस प्रश्न को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो 1/8 - 1/9 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/8 72, क्या हो जाएगा 9/8 72 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया हूँ, 9 ऊपर जाएगा 8 इधर चला जाएगा तिरक गुना में, तो 9 - 8 ये हो जाएगा आपका 9 - 8 1/72 हो जाएगा, क्या हो गया 1/72। अब हमने क्या किया, इतने को सॉल्व कर लिया, इतने को सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है ये 5। अब हमारी मुलाकात हो जाती है 5 से, 0.5 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो हमारा मुलाकात किससे हो गया 1/2 + 1/72 से हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम वापस 72 आ जाएगा, ऊपर
कितनी बार में कटेगा, 36 बार में कट जाएगा, ठीक है, 36 बार में कट जाएगा। तो ऊपर आप 36 लिखेंगे, 36 से कम 36, और इधर वापस आपको एक लिखना है क्योंकि 72 का 72 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37/72 हो जाएगा, 37/72 3 सेकंड, ये हो जाएगा आपका 37/72 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला टास्क भी पूरा हो गया है ना, ये वाला हमने ये वाला कोष्टक को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है, और इतने का मान क्या है, 37/72 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4 2 2 4 और 4 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5/2 है ना, यह माइनस का सीन याद रखिएगा, तो हमने माइनस कर दिया और ये हो जाएगा 37/72। वापस हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमको वापस लेना है 72, ठीक है। ये आपको कितने बार में कट जाएगा, 36 बार में कटेगा। 36 को आप 5 से गुना कर दीजिए, 36 को आप 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, 72 का 72 फिर 37 वापस आ गया। फिर से यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 180 में 37 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 143/72 हो जाएगा, 143/72। अब हम कहाँ तक आ गए, हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम इसके पास पहुँच गए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3/4 प्लस 143/72। अब इसका एलसीएम अभी क्या लेंगे, इसका एलसीएम अभी भी 72 ही होगा, ठीक है, एलसीएम अभी भी हम 72 ही लेके चलते हैं, ये 72 हो गया, ठीक है। चार बार में गुना करेंगे तो 18 बार में जाएगा, और 18 दिया हो जाता है आपका 18 दिया 54 हो जाएगा, ठीक है, 18 दिया 54 हो जाएगा प्लस 143। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 197 हो जाएगा, ठीक है, 197/72, ठीक है। तो हमने यहाँ तक भी पार कर लिया, अब बचा हमारे पास 5। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 - 197/72। अभी भी हमारे पास एलसीएम 72 ही आएगा, 72 को 5 से गुना कीजिए, 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा माइनस 197। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 163/72। ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मली आपको सिंप्लीफिकेशन समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है, बाकी को आप लॉजिकल से बना सकते हो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, बस सॉल्व कैसे करना है बस ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणितीय शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, गणितीय शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, 99 नंबर, गणितीय गेम और पजल गणित शिक्षण में उदाहरण है, इसके उदाहरण है ये, तो ये प्ले विद गेम का उदाहरण है, ठीक है, पैडागॉजी पूछा जाता है, यदि अपडेट वाले हैं तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न क्या कहा गया है कि अपने वास्तविक गति से 4/5 गति से एक व्यक्ति 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है, मतलब उसको जहीं कहीं पहुंचना होगा लेकिन वो वास्तविक गति से ना चलकर कुछ कम से चलता है, तब उसको 1.5 घंटे की देरी हो जाती है, उसका वास्तविक समय क्या है उस स्थान पर चलने का। मान लेते हैं ये कोई एक स्थान है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, लेकिन वो थोड़ा से पहले टाइम जैसा चलता था वैसा ना चलकर थोड़ा स्लो चलता है, स्लो चलने की वजह से 1.5 घंटा लेट होता है, तो ओरिजिनल टाइम क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है ये देखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो ध्यान ये रखना है, ठीक है, हम इसको रेशियो से बनाएंगे। रेशियो से कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे ये ओल्ड के बाद हम लिखेंगे न्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्पीड देखिए, नीचे वाला हमेशा ओल्ड न्यू ओल्ड रहता है ना, याद रखिएगा, ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला रहता है न्यू। तो पहले हमारे पास स्पीड कितना था, स्पीड था 5, और अभी स्पीड कितना है 4। और याद रखिएगा, जब भी ऐसा आपको रेशियो में दिया जाए, जब भी इस प्रकार से रेशियो में आपको स्पीड दिया जाएगा, तो स्पीड जो है उल्टा रेशियो रखता है टाइम के साथ, ठीक है, स्पीड जस्ट टाइम का उल्टा होता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ ये देखिए, अब इसको मैं जस्ट पलट दूंगा, ठीक है। तो यदि मेरे पास पहले स्पीड 5 था, तो मेरे पास अभी टाइम कितना हो जाएगा 4, तो मेरे पास अभी स्पीड 4 है तो टाइम 5 हो जाएगा, कहने का मतलब यदि मैं स्लो चलूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, फास्ट चलूंगा, स्पीड मतलब चलना, फास्ट चलूंगा तो कम समय लगेगा, यही इसका आंसर होता है, ठीक है। अब क्या क्या आ गया, हमको टाइम दिया गया, देखिए टाइम का दिया गया है, टाइम अंतर क्या आ गया, एक का अंतर आ गया,
चार से पांच मतलब एक का अंतर आ गया। और एक का अंतर क्यों आया, क्योंकि हम डेढ़ घंटा देरी से चल रहे हैं, तो डेढ़ घंटा को मैं लिख सकता हूँ तीन बटा दो। तो एक रेशियो का मान क्या आ गया, तीन बटा दो आ गया। पूछा क्या गया, उसके पहुंचने का वास्तविक समय पूछा गया, वास्तविक समय तो चार है, ठीक है, वास्तविक समय क्या है, तो वास्तविक समय तो चार है, ठीक है। तो एक रेशियो का मान तीन बटा दो है, तो चार का मान क्या हो जाएगा, तीन बटा दो गुना चार, तो दो एकम दो, दो दूनी चार और दो दिया छह, तो ये हो जाएगा छह घंटा। इस प्रकार से इसको आपको शॉर्ट मेथड से बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन का निकटतम संबंध होता है, ठीक है, आकलन का निकटतम संबंध होता है, तो आकलन का निकटतम संबंध किससे होता है, यह है आपका 101 नंबर, ठीक है। इस प्रश्न को व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, ठीक है, इस प्रश्न को व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, विषय वस्तु आकलन विधि उद्देश्य, ठीक है। तो इस प्रश्न को कोई आंसर नहीं मिला होगा, इसको विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, आपको जवाब देना है कि क्यों कठिन होता है, ठीक है, इसका आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, तो ये गलत बात है भाई, अच्छे शिक्षक नहीं है, तो ये भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जगह अच्छे शिक्षक ना हो, शिक्षण विधियां दोषपूर्ण है, ये भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इसकी जो प्रकृति है ना, मूलतः अमूर्त है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वास्तविक आपको दिखाई नहीं देता, बस आपको सोच के भावनात्मक रूप से या फिर सोच पर डिपेंड है, एक तार्किक डिपेंड है, तार्किक के रूप से, इसलिए ये थोड़ा कठिन लगता है। अगली बात, इस्माइल और पूजा के पास 7:3, ठीक है, 7:3 में पैसे हैं, तो 7:3 में पैसे हैं, इस्माइल इस्माइल के पास 490 रुपये है, यदि पूजा के पास पैसे केवल 10 रुपये के सिक्के में है, तो पूजा के पास कितने सिक्के हैं। सबसे पहले पूजा के पास कितने ये निकालेंगे, उसके बाद 10 का सिक्का के हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। तो इस्माइल है ना, ये पहला वाला इस्माइल है, इस्माइल के पास कितने रुपये हैं, 490 रुपये टोटल पैसा है इस्माइल का, और रेशियो में भी 490 है। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा, 7 से काटेंगे तो 7 × 7 = 70, एक रेशियो का मान हमको मिल गया 70। उसके बाद पूजा के पास कितना रेशियो है, मतलब कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, एक यूनिट का मान 70 है, तो इसका आंसर मिल जाएगा 210 रुपया। तो पूजा के पास कितना है, 210 रुपया टोटल है, लेकिन उसके पास केवल 10 के सिक्के हैं, ना 20 का नोट है, ना 50 का, ना 100 का, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल 10 के नोट सिक्के हैं। तो कितने 10 के सिक्के हैं, तो 10 से इसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 21, ये होगा आपका आंसर 21, ठीक है, 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसको बनाया कैसे गए, ये इसको 179 × 48 = 8592 इसको दिया गया। अब इसी को हमको भाग रूप में लिख दिया गया, कुछ नहीं किया है। अब मैं इसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, एक्सटेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना 48 अपने जगह रहेगा, ठीक है, 85 92 / 179, ठीक है। अब जहां जहां पॉइंट लिखा है वहां पर एक बार पॉइंट लगा दीजिए, जहां पॉइंट लिखा है तो ये यहाँ पे पॉइंट है और ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये इसी का उत्तर है ना, ये दोनों आपस में उत्तर है, मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अब इसको मैं एक स्टेप और क्या बढ़ा सकता हूँ, क्या बढ़ा सकता हूँ, इसको देखिए, यदि यदि क्या होगा, यदि मैं इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ आगे तक, ठीक है, तो क्या होगा, यदि पॉइंट को मैंने आगे बढ़ा दिया, पूरा पॉइंट हटा दिया, तब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 179, लेकिन ऊपर में दो अंक थे, नीचे में एक अंक है, ठीक है, ऊपर में दो अंक थे, नीचे में एक अंक है, लेकिन एक जीरो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये इसका लॉजिकल व्यू है। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा 85 को रखिए और 85 92 / 79, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, या फिर पूरा पॉइंट हटाना चाहते हैं तब यहाँ लास्ट में जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद यदि आप सॉल्व करेंगे तो 4.8 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये दो तरीके हैं बनाने के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक गणितीय शिक्षक की विशेष योग्यता है, गणितीय शिक्षक की एक विशेष योग्यता है, तो गणितीय उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, उसकी उपयोगिता है,
योग्यता है, गणित कक्षा संचालन की योग्यता ये भी सही है, विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के ज्ञान ये भी सही है, उपरोक्त सभी इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोर्ट विधि मानक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है, संख्यात्मक, मापन, अनुमान या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है क्योंकि ये आप प्रोसेस से बनाएंगे तो हो सकता है आपको समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें वैसे वैल्यू का मान निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर का मान निकालने आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो एग्जाम में आप लॉजिकल मेथड भी लगा सकते हैं। लॉजिकल मेथड कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है ये देखिए, ये प्रतिशत है और का मतलब होता है गुना, तो ये गुना है, यहाँ भी गुना है। ठीक है, प्रतिशत से दो जीरो हटाइए तो ये दो जीरो हट गया, नीचे बचा आपके पास अंडर रूट थ्री। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ प्रतिशत से दो जीरो हटाइए तो ये हो जाएगा चार तिया बारह माइनस, ठीक है, ये प्रतिशत से दो जीरो हटा तो ये हो जाएगा नौ तिया सत्ताईस। अब आपको इसका मान निकालना है, और देखिए अंदर में जितने भी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर मान इंटीजर में नहीं निकलेगा, फ्लोट में निकलेगा। फ्लोट मतलब आपके पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर आने के लिए क्या होगा, अब जब भी आपको ऐसी दिक्कतें आए तो लॉजिक वे को इस्तेमाल कीजिए। लॉजिक वे क्या होगा, तीन के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको देखिए, तीन से छोटा और तीन से बड़ा, तो तीन से छोटा परफेक्ट स्क्वायर एक है और तीन से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है चार। ठीक है, लेकिन एक किसका स्क्वायर है, एक एक का स्क्वायर है, और चार किसका स्क्वायर है, चार दो का स्क्वायर है। देखिए एक का स्क्वायर एक है और दो दो का स्क्वायर चार है। ठीक है, और इन दोनों का मान किसके बीच का है, एक और दो, मतलब ये है यदि अंडर रूट में एक होता तब मान एक आता, अंडर रूट में यदि चार होता तो मान दो आता। ठीक है, अंडर रूट में यदि रूट के अंदर एक होता तब एक आता, रूट के अंदर चार होता तो हमको दो मिलता, लेकिन तीन है तो आप इन दोनों के बीच का वैल्यू मान लीजिए। इन दोनों के बीच का वैल्यू मानेंगे तो अब यहां लिख देता हूं 1.5 लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने, 1.5 लिख दिया। ठीक से लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि मैं लॉजिक वे लिख रहा हूं ना, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, याद रखिएगा ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, मैं लॉजिक लगा के लगा रहा हूं। अब 12 की बात आती है, तो 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, तीन तिया नौ, तो तीन तीन तिया नौ और चार चौके 16, तो नौ किसका है, नौ तीन का स्क्वायर है, चार किस 16 किसका है, चार का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 12 इस नौ और 16 के बीच आ रहा है, और तीन और एक चार है, तब हम क्या करेंगे, इसको तीन और चार के बीच 3.5 मान लेता हूँ। माना हूं ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, याद रखिएगा, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर भी मैं बता दूंगा, दो मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये 27 है, अब 27 के पहले परफेक्ट स्क्वायर आपका 5 है और बाद में 36 है, 5 कितना है, 25 कितना है, 5 का, और 36 कितना है, 6 का। तो देखिए ये 27 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तब हम इसका मान भी 5.5 के आसपास मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, 15 और 35 को जोड़ेंगे तो 50 होता है, 50 और पॉइंट ले लेंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस करना है 5.5 से। ठीक है, माइनस करना है 5.5 से, लेकिन मैंने इसको आंसर को आगे पीछे लिया है इसलिए 5 आ रहा है। देखिए जब भी ऐसा मान होगा ना तो आप इसको थोड़ा बड़ा लीजिएगा, बड़ा लेंगे तो आंसर आपको नियर अबाउट 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉजिक वे बनाया है आपको जल्दी बनाने के लिए, यदि आपको इसका एक्चुअल मान ज्ञात करना है तो मैं आपको एक्चुअल मान भी बता देता हूँ। जैसे यदि हम अंडर रूट 3 की बात करें तो अंडर, मैं एक्चुअल मान लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं 0 लाया हूँ, एक्चुअल मान होता है अंडर रूट 3 का 1.7। ठीक है, 1.7 इसका एक्चुअल मान होता है। और यदि हम 12 का मान की बात करें, ठीक है, यदि मैं 12 की बात करूं तो 12 का मान होता है 3.4 46। मैं बस एक ही लेके जा रहा हूँ, एक ही डिजिट आगे लेके जा रहा हूँ। और यदि 27 की बात किया जाए, ठीक है, यदि 27 का मान निकालना चाहें तो ये होता है आपका 5.1। यदि 19 होता है, मैं 5.1 ही ले रहा हूँ। अब इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो कम से कम ये आपके 51 के आसपास हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 51 के पास जाएगा और आपके 0 के निकट आ जाएगा ये आंसर। तो ये आप कैसे निकाल सकते थे, एक तो आपको एक एक का मान निकालना होगा। ठीक है, आपको एक एक का मान निकालना पड़ेगा। यदि मैं 17 प्लस अगर 34 को ऐड करूँ तो ये आपका 51 आता है, मतलब
यदि इन दोनों को ऐड किया जाए तो 0.51 और 0.51, तो ये दोनों मिला के आपका माइनस में जीरो आ जाएगा। लेकिन इसी को मैंने क्या किया था, केवल और केवल थोड़ा लॉजिक लगा के निकाला था, ठीक है। तो एक्चुअल निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल से बना लीजिएगा, या फिर ऐसे ही आप लॉजिक निकाल के भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, पांच के स्थानीय और जातिमान का अंतर बताइए। पांच के स्थानीय और जातिमान का अंतर बताइए। स्थानीय मान कैसे को कहते हैं ये देख लीजिए। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान की, वो किस स्थान पर बैठा है, ठीक है। यदि हम इसमें 26,5,409 है ना, इसमें स्थानीय मान देखें तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब यहाँ 500। और यही मैंने यदि इसको 6 बना देते हैं, ठीक है, 650। यदि इसके स्थानीय मान बात करूँ तो ये 50, मतलब ये दहाई के अंक में है, ये 50 हो जाएगा। या शॉर्ट वे में निकालना चाहते हैं तो बस आप 5 लिखिए और 5 के पहले कितने अंक है बस वो लिख दीजिए, तो ये आपका स्थानीय मान हो गया। और अंकी मान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे 5 इकाई में रहे, दहाई में, सैकड़ा में, तो 5 का मान 5 ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कुछ है 495, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से इसको बनाना था आपको। अगला प्रश्न, एक ही माप के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिक्कों द्वारा उनके बीच घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा इसको पूछा गया है। पूछा गया तो बता देते हैं, ठीक है, पूछा गया है तो बता देते हैं। तीन जो आपको इस प्रकार से सिक्का दिया गया है, ये इस प्रकार से समान माप के हैं। आपको मान के चलना है कि मैं समान माप का बना रहा हूँ, लग भले ही रहा होगा आपको आगे पीछे, पर आपको मान के चलना है कि मान समान है, ठीक है। अब ये इसका रेड, ये इसका पॉइंट हो गया सेंटर, और रेडियस, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये से, इस प्रकार से हमारा ये इसकी भुजा हो जाएगी 2, 1, 1, 2, ये भी 2, ये क्या बन गया मेरा समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन गया। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, मैं थोड़ा सा इसको ढंग से बना नहीं पाया हूँ, तो इस बीच में कुछ जगह बच रहा है, ये वाला जगह है ना, तो इसी जगह के क्षेत्रफल को पूछा गया है आपको। तब क्या करेंगे हम, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस बीच वाले का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि इतने हिस्से का जो है ना, ये वाला देखिए, ये वृत्त कितने हिस्से का माइनस करें और इस वृत्त कितने हिस्से का माइनस करें क्षेत्रफल को, तो हमें कोई बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। चलो माइनस कर देते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, पहले मैं त्रिभुज का निकाला हूं ना, त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² ए, मतलब क्या हो जाएगा ये लिख लीजिए, a² ए मतलब भुजा है। अब इसमें मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं, इसमें मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, ये दो दो हमारे मान निकले हैं ना, ये देखिए दो निकले हैं मान, दो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास √3, ठीक है। अब क्या करना है, त्रिभुज के ये इतने जो हिस्से हैं ये, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि सभी सभी वृत्त बराबर हैं, इसलिए इतना वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, मतलब 3 वृत्तखंड के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr². अब हमको पूरा का तो निकालना नहीं है, पूरा का तो निकालना नहीं है, कितने को निकालना है, पूरे 360 में से केवल 60 का निकालना, सॉरी 60 ऊपर जाएगा ना, 360 ऊपर रहेगा, ये टोटल 360 में से केवल 60 का निकालना है, 360 में से 60 का निकालना है, और वैसे वैसे कितने का निकालना है, 3 का निकालना है, 3 का निकालना है। अब यहाँ आर की जगह क्या रखेंगे, रेडियस, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में आर का आर ही, आर का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, 1 का 1 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 बटा 6 3 18 और 18 2 36, तो ये 1/2, 1/2 को हम पाई 2/2 लिख सकते हैं। माइनस करना था ना किसमें, त्रिभुज में से माइनस करना था, त्रिभुज का कितना है हमारे पास, √3 - π/2, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति बी एस ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है, ठीक है, बी एम ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई परीक्षण का निरीक्षण। बाकी ये इसको किया गया है, विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, सीखने की अनेक कठिनाइयों का पहचानना, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना, ये विकसित किया गया है बी एम ब्लूम द्वारा। अब अगला प्रश्न फिर आ गया आपके पास, किसी साहूकार को पता चला कि वार्षिक ब्याज 8% वार्षिक दर से यदि, ठीक है, 7 सही 3/4% रखा जाए तो उसमें
61.50 रुपए का नुकसान या फिर कमी होती है तो उसकी पूंजी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत हमारे पास क्या था, 8 था, 8 में से क्या हो गया, ये 7 हो जाएगा, 7.75। ठीक है, पहले प्रतिशत 8 था, अब 7.75 हो गया, अंतर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25। अंतर कितना आ गया, 0.25, पहले 8 था अब ये 7.75 आ गया, अंतर आ गया 2.5। अब देखिए अंतर आने से कुछ रीजन हुआ क्या, अंतर आने की वजह से 61.50 रुपया कमी आती है, क्यों, क्योंकि 0.25 अंतर है, इसलिए तो 61 इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको भाग करके यदि हम 100 से गुना कर दें तो हमारा मान आ जाएगा, ठीक है, करके अगर 100 से गुना कर दे तो हमारा मान आ जाएगा। ये आप लॉजिक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, क्या कहा मैंने, इसको आप लॉजिक मेथड से भी कर सकते हो। देखिए 25% का मान मान लीजिए, इसको 25% का मान 61.50, अब पॉइंट को फिलहाल हटा दीजिए, ठीक है, पॉइंट पूरा हटा देते हैं 25% के मान को, क्योंकि इधर भी दो स्थान पर पॉइंट है, इधर भी दो स्थान पर पॉइंट है, ये 5.25 हो जाएगा और ये 61.50 हो जाएगा। जब 25% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, यदि 100 करने रहेगा तो हम 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 61.50 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2460। ये आपका लॉजिक मेथड होना चाहिए। क्या कहा मैंने, पूंजी मतलब होता है उसकी पूंजी हमेशा 100% होगी, 25 को 100 बनाने के लिए हम 4 का गुना करेंगे, उसी प्रकार इधर भी 4 का गुना करेंगे तो हमको 2461 मिल जाएगा। यदि किसी बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऐसा मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप ऐसा समझ जाइए 61.50, ठीक है, एक रेशो का मान निकालने के लिए 25 से भाग करेंगे और 100 से गुना कर देंगे, सेम काम हमने वही किया है, ठीक है, सेम काम हमने यही किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, सी है ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए, इसके समझ पर जोर देना चाहिए, तो 112B ऑप्शन नंबर पैटर्न पर जोर देना चाहिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। याद रखिए एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ हमेशा एलसीएम को भाग देता है। क्या कहा मैंने, जो एचसीएफ है हमेशा एलसीएम को भाग देता है, तो देखिए जो भाग नहीं गया वही हमारा एलसीएम नहीं है। 8 4 8 32 को भाग देगा, 56 को भी भाग देगा, 64 को भी भाग देगा, 76 8 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ही एलसीएम नहीं हो सकता, बस एक लाइन का आंसर है। अगला प्रश्न, यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब प्रथम भाजक के इकाई स्थान पर कौन सा, भाजक का मतलब समझते हो आप लोग, ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पे, देखिए प्रथम भाजक और कैसे व्यवस्थित करना है घटते क्रम में। जब भी हम 132 का भाजक निकालेंगे तो इसका बहुत सारा होगा, सबसे पहला भाजक तो होगा 1 और सबसे अंतिम भाजक होगा स्वयं 132, ठीक है। अब इसको हमको उल्टा जमाना है घटते क्रम में, ठीक है ना, ये घटते क्रम में, तो 132 पहले आ जाएगा और ऐसे ऐसे लास्ट में 1 आएगा। पूछा गया ये अब ऐसा अगर हम जमा देते हैं उल्टा क्रम में तो इकाई स्थान में कौन आएगा, इकाई स्थान में तो 2 दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर 2 ये इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है आयत का जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये आयत का परिमाप पेरीमीटर, क्या है ये, पेरीमीटर है आयत का, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, एल भी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मान किसी का हमारे पास कितना है, 36, बस हमारा मान निकल गया, ठीक है, हमारा मान निकल गया, अंदर गुना कर दीजिए 2l प्लस ये हो जाएगा आपका 2b, ठीक है, ये हो जाएगा 36। अब कहीं अब किसी एक जगह आप 7 को रख दीजिए, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं l की जगह लिख देता हूँ लंबाई, सॉरी चौड़ाई क्या बोला, तो मैं बी की जगह रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2×7=36, ये हो जाएगा 2l + 7×14 बराबर 36, ठीक है, ये 2l हो जाएगा, 14 में 36 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, l की मान निकालें तो ये हो जाएगा 11, l बराबर 11।
अब हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमको लंबाई चौड़ाई, लंबाई हमको निकल गया 11 और चौड़ाई पहले से पता था, तो 11 × 70 = 77। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन यदि जो व्यक्ति ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जब भी ऐसा होगा तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी आपको चेक करने हैं, ऑप्शन भी आपको चेक करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया, 7, इस 7 का गुना किया है ना, और इस 7 के गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है वो भी 7 से भाग जाएगा। यहाँ 11 की जगह क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, 7 जो भी संख्या आएगा उसको मैं 7 से गुना करूंगा, और जो गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो तो 7 से कटेगा ही कटेगा, तो 7 से कटेगा और जो प्रोडक्ट ही मेरा आंसर है। देखिए तो यदि 7 से मैं काट के क्यों ना देख लूं, 7 से ये भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, और 7 से तो ये भी नहीं जाएगा, तो मेरा आंसर 70 हुआ ना। तो इस प्रकार आपको बनाना है एग्जाम में, यदि दो ऑप्शन करते हैं तब आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, वरना सबसे पहले आपको बाय ऑप्शन चेक करना है, और एग्जाम में ऐसा फालतू की समय बर्बादी नहीं करनी है। जब दो ऑप्शन कटे ना तभी आपको प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणितीय शिक्षण में कोलम क्या समझाने के लिए उपयोगी है, कोलम क्या समझाने के लिए उपयोगी है, तो ये होता है आपका सममिति और समवृत्ति वर्गों के चक्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। सामान्यीकरण विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना बढ़ना जाना जाता है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, प्रश्न क्रमांक 118। गणित हमें प्रकृति के बारे में समझाती है, प्रकृति के बारे में। गणित अवधारणाएं अमूर्त है, गणितीय अवधारणाओं को क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको क्या, इस एग्जाम में लिया गया, गणित हमको प्रकृति के बारे में बताती है, ये असत्य है। लेकिन ये बिल्कुल सही, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, बिल्कुल सही है। गणितीय अवधारणाओं को क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, ये भी सही है। गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है, ये भी सही है। प्रकृति के बारे में गणित हमको नहीं बताता। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, समस्या का हल करना, प्रयोग विधि, प्ले विधि या फिर पेडागॉजिक विधि, तो इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी में, किस श्रेणी को सम्मिलित होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, देखिए मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है उदाहरण के साथ बताना है जो वास्तविक में है, और उससे रिलेटेड बनाना है ना, जो कॉन्क्रीट मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बताना, ये बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चे अमूर्त नहीं समझ सकते, उसकी उतनी बुद्धि विकास नहीं हो पाती। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई फिक्स चीजें हैं उसको उसको हम समझाते हैं और वो अमूर्त की ओर उसको ले जाएंगे, तब आप हायर एजुकेशन में जाके सीधा अमूर्त को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका गलत हो गया। फिर इस प्रकार से मैथ्स का क्वेश्चन आपको बनाना था। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।